मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम हैं ब्राइटॉप पे और ठंड बहुत थी रात को। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि हम ऑक्सीजन की कमी भी है यहाँ पे, बोला नहीं जा रहा। तो रात को हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी करीबन 11:30 बजे के आसपास, और अभी आगे की यात्रा शुरू करेंगे थोड़ी देर में हम। तो आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना जो भी डेली रूटीन में वो कर लेते हैं। ये नीचे एक हेलीपैड बना हुआ है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। वो नदी देख रहे हैं आप नीचे, वो भी जमी हुई है, थोड़ी देर में बहना शुरू कर देगी। तो यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक तो जिससे हमारे बालटाल से, दूसरा है चंदनवाड़ी से। चंदनवाड़ी का रास्ता 35 किलोमीटर के आसपास बढ़ता है और ये 14-14.5 किलोमीटर का रास्ता है। बट ये 14.5 किलोमीटर में से जो शुरू के 5-6 किलोमीटर ना, बड़े डेंजर वाले हैं, स्टीफ एकदम इंक्लाइन होता है इसमें। हर हर भोले, जय शिव शंभु। यहाँ से जो रास्ता है ना, वो पौनी के लिए अलग हो जाता है और यात्रियों के लिए अलग हो जाता है, ताकि ये काली माता वाला रास्ता है। आपको दिखाएंगे स्वयंभू काली माता के दर्शन कराएंगे। इस बार सुविधा काफी अच्छी की हुई है श्राइन बोर्ड ने। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। भाई देवीन चाणक्य भाई, अरुण भाई, बहुत हिम्मत दिखाई अरुण भाई। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलिए जी, तो यहाँ पे पहाड़ की तरफ भरा रास्ता है, पहाड़ की तरफ चलना कंपलसरी होता है। और बिल्कुल पहाड़ की तरफ चलें, ना कि आप चलें या इस साइड में नहीं चलना है बिल्कुल भी। कभी भी स्लश है, पैर फिसल सकता है, और बहुत ही संकरा रास्ता है यहाँ पे। ये हमारे देवेन भाई भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए। ये देखिए अल्टीमेट है ना बाबा, एक नंबर। पानी के सामने देखिए,
सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये भीड़ है सारी, और ये ऊपर से दूध जैसी धार आती है, बहुत अच्छी लग रही है अल्टीमेट। और ऊपर का व्यू देखिए, गजब। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ये यात्रा 2022 श्री अमरनाथ यात्रा, वापस आ गए हो? ये देखिए जी, झंडे लगा रखे तेरे जो बहुत जाए गए हैं इसको। तो ये पूरा एक पहाड़ जब नीचे को आया तभी काली माता प्रकट हुई है यहाँ से, तभी से ये रास्ता बनाया, अदरवाइज पहले ये रास्ता नहीं हुआ करता था। जो रास्ता था वो ही था। ओ दिल्ली आए हो? जय माँ काली। आपको थोड़ा और नजदीक से दर्शन करा देते हैं। जय माता रानी। चलिए मिलते हैं आगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। बस पहुंच गए हम बाबा के दरबार के पास। सर ग्लेशियर बहुत कम है, बहुत तेजी से पिघल गई ग्लेशियर। तो जय भोलेनाथ, जय भोले। ये शेषनाग पर्वत है, ये ऐसे जाके ऐसे और ऐसे शेषनाग की आकृति हो गई। और सामने ये पांच पांडव हैं, पांचों पिंडियाँ। देखिए जूम करके दिखाता हूँ, पांच पिंडियाँ हैं पांच पांडव की। और इस गुफा के ऊपर नंदी जी विराजमान है, पवित्र गुफा के ऊपर। और इस तरफ गुफा के इस तरफ गणेश जी हैं, गणेश जी इस तरफ। तो चलिए आपको गणेश जी का भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। चलिए ठीक है। हर हर महादेव।
राम से बोल रहे हैं। ये सामने नंदी जी विराजमान है। विष्णु जी चलिए अब मिलते हैं नीचे, सामान वामान लेते हैं अपना और वेलकम गेट पे आपको देते हैं। अब वहाँ से दिखाता हूँ नज़ारा। हमके गोवन और बादशाह को पानी जय बाबा परमाजी को, तो हम अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। केदारनाथ भी आ रहा है, मिलते हैं आप लोगों के सीरीज जबकि वो बाल डाकू सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।